अतिक्रमण हटाने पहुंचा अमला, अल्टीमेटम देकर लौटा। खबर रीवा से है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए शनिवार को प्रशासनिक अमला सिरमौर चौक स्थित मौके पर पहुंचा और मकान के कुछ हिस्से को हटा दिया। शेष भाग को हटाने के लिए अतिक्रमणकारी को 12 बजे तक का अल्टीमेटम देकर वापस लौटाया। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहे पर यादव परिवार शासकीय भूमि पर घर बनवा रहा है। यहां पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी चल रहा है। उक्त मकान को हटवाने के लिए उसे नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारी ने अपना मकान नहीं हटाया। शनिवार की शाम SDM तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान घर का सामान बाहर निकालने की हिदायत दी गई। उसके मकान के बाहरी भाग को गिरा दिया गया है, जबकि मकान को हटाने के लिए उसे रविवार की दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद ही मकान न हटाने पर शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि उक्त परिवार को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास में घर प्रदान कर दिया गया है, जबकि पीड़ित का कहना है कि वह लगभग 3 दशक से यहां पर रह रहा है। मकान खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ समय चाहिए। आपको सुनाते हैं अतिक्रमणकारी और SDM का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। संवाददाता रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा यादव है। हम लोग मेरे यहीं पैदाइशी इसी जमीन से हुई है। हमारे ना कोई जगह जमीन कुछ भी नहीं हुई है। हम लोग जब से मतलब यहाँ पर पड़ा होता है, क्योंकि पूरा रीवा ही सरकारी जमीन में ही है, और हम लोग जाएंगे भी रोड यहाँ से निकले में ही तो कहाँ पर जाएंगे? सरकारी जमीन पे ना जाके रहेंगे या फिर रोड पे जाके रहेंगे, तो रोड भी तो एक सरकारी जमीन ही ना कहलाएगी। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ से रह रहे हैं, और हम लोग सबसे जाके निवेदन किया, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, निवेदन भी किया, तो जाके कोई भी नहीं माना। बहुत बार हम लोग को घर गिराने के लिए आए और बहुत परेशान किया गया, लेकिन उसके बाद हम लोग न्यायालय में जाके केस लगाया। वहाँ से हमें न्यायालय से न्याय मिला, हमें स्टे प्राप्त हुआ। स्टे में लिखा हुआ था कि 100 गज की दूरी पर आप रहिएगा, आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आपका सामान भी कोई टच भी नहीं करेगा। जो भी न्याय होगा आपके न्यायालय से न्याय होगा, आपको जो भी कागज कार्रवाई जो भी होगी आपके न्यायालय के थ्रू होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पालन भी नहीं किया गया, कोई भी हमारी कोई स्टे का कोई भी कुछ चीज़ का कोर्ट न्यायालय का कोई भी मानता नहीं हुई। यहाँ सिर्फ जो भी है नेता नवाड़ी जिनका भी है सबके यही उन्हीं का माना गया। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका भी ये पढ़े लिखे हैं तब भी ये नहीं जानते हैं कि क्या गरीब के साथ क्या बीतता है। आज कल वो भी रहे होंगे, कुछ ना किस परिस्थिति से गुजरे होंगे। सालों से यहाँ हम कम से कम 1984 से रह रहे हैं। हमारे बता के हटाया जा रहा है कि यहाँ पर पार्क निर्माण होगा, तो सर हम लोग भी हटने के लिए तैयार है। हमें दिया जाए अच्छे जगह से, सुरक्षित किया जाए। मम्मी को बीमारी भी है। हाँ, जी हम लोग को लगभग 1 साल से मम्मी को बीमारी भी है, उसमें भी परेशान थी सर। आया गया सर, इनको कैंसर बकल कैंसर था इनको, उसमें हम लोग परेशान थे। कुल मिला के आपको कहना है स्टे होने के बाद भी? हाँ, कुल हमारा यही है कि स्टे होने के बाद भी, और वो भी तत्काल 1 घंटे में हमारा सामान निकाल के, ये तक कि सामान के थ्रू हमारे लाइट वगैरह सब कुछ काट दी गई है कि तुरंत खाली करो, नहीं तो तुम्हारा सब सामान हम निकाल देंगे। की तरफ से आपको क्या आश्वासन अभी दिया गया है? शासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। हमारे पापा मजदूरी कर रहे थे न्यायाधीशों के, क्योंकि लगभग हम लोग 30 साल से रहते, हमें सब न्याय यहाँ के सिविल लाइन में जानते कि चोर हुआ वगैरह हम लोग नहीं है। तुम्हारे न्यायाधीश के यहाँ रहते थे, तो न्यायाधीश हमारे हम लोग का देख कर दुख आई, और वो हमें 1 दिन का मोहलत दिलवाई है कि आप कल तक में आप खाली करिए, आपके साथ ये होगा। ये शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण था, जिसमें कि काफ़ी लंबे समय से न्यायालयीन प्रकरण भी चल रहा था, जिसपे हमारी कोर्ट में जवाब देने तक निषेधाज्ञा थी, और कोर्ट में जवाब देने के बाद निषेधाज्ञा समाप्त होती है। और प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का ये प्रोजेक्ट है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, इसलिए इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। एक फैमिली है, इसको व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने नगर निगम में रिक्वेस्ट करके एक मकान भी दिलवाया हुआ है,